From last 3 to 5 years, and some colors which I'm working on. This is natural tesu. These are extracted naturally. Yes, sure. So, this is also called as flame of the forest, and this is Jupitorium. And this is the lake. Lark powder. Yes. So the color which I'm currently working on. Is this the leg powder? Yeah. Let me show you my natural leg shape. Yeah. So, going to try some new colors by mix and matching the colors. Good. And you know, the natural way is more interesting than the chemical. This is black, the madder color. These are 100% natural colors. तो मुझे बताइए ये लाख पाउडर के बारे में, क्योंकि मुझे ये कलर बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है और अभी ऊपर भी हम डाई कर रहे हैं, सो इसके बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ बताइए। आज एक कलर बनाया है जो बहुत ही सुंदर बना है। वाओ, आप देख सकते हो पिगमेंट्स वो काफी अच्छे दिख रहे हैं, काफी सुंदर है। ना किया उसमें ना। यस, तो अभी हम ऊपर जो कर रहे हैं इसका रिजल्ट्स हम देखते हैं, क्योंकि ऊपर भी हमने डाइंग की है अभी पापा के साथ में, तो देखते हैं अभी रिजल्ट्स क्या आते हैं। और अभी हमने सुखाने के रखा है डाइंग का। हाँ, वो अभी हम लोग का अभी हम लोगों ने वॉश किया है उसे, उसके बाद में फिर वो ड्राई होने के बाद में हम उसके रिजल्ट्स बताने वाले हैं। ओके, आई एम वेरी एक्साइटेड। वो जो आया है ना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, इट केम अप वेरी ब्यूटीफुली। वाओ, तो उसका जो रिजल्ट होने वाला है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो हम लोग ऊपर जाके वो देख सकते हैं कि उसका कलर आफ्टर ड्राइंग क्या होता है। तो ये चीजें धीरे धीरे हम लोग के अंदर हम लोग को ऐसे नहीं पता चलती है, प्रैक्टिकली जब हम करते हैं उसके ऊपर जो काम किया जाता है उसके बाद में पता चलता है कि एक्चुअली वो कलर क्या है और उसको किस तरह से प्रोसेस
प्रोसेस किया जाता है। आई एम जस्ट लविंग यार नेचुरल कलर, आई एम जस्ट लविंग, आई एम लविंग इट टू। तो आप इसलिए इस चीज में आए हो, जो केमिकल है उन्हीं कलर्स को अगर हम लोग क्यों ना हम लोग नेचुरल वे में लेके आए, एक सस्टेनेबल उसे बनाए ना, मणिपुरी साड़ी भी मतलब सस्टेनेबल हो सकती है। हाँ अभी जो आई नो हैंडलूम इज सस्टेनेबल बट इट इज नॉट टोटली सस्टेनेबल, हम लोग उसमें अगर केमिकल डाइज यूज कर रहे हैं तो इट इज नॉट टोटली सस्टेनेबल। अगर हम लोग उसे नेचुरल वे में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इट इज फार मोर बेटर देन दिस केमिकल डाइज। सो या मेरा तो प्रोजेक्ट अगर मैं चाहूँ तो इसे पूरी तरह से कन्वर्ट कर सकती हूँ, पर इट इज अ स्लो प्रोसेस, अगर थोड़ा टाइम लगेगा उसे। रियली रियली एक्सपेंसिव, यू नो दैट द नेचुरल कलर्स आर वेरी एक्सपेंसिव, इंडिगो तो काफी ज्यादा टाइम लगता है। अगर आप उसे बनाने जाओगे तो वो मतलब 7 to 8 days की तो वो सिर्फ प्रोसेस मतलब उसे बनने में ही लग जाता है, उसे डेवलप होने में लग जाता है 7 to 8 days। उसके बाद आप उसे डाई करोगे, उसके बाद में डाई के बाद में भी ये फिक्स नहीं होता है कि उसके सारे जो कलर्स हैं वो एक जैसे बैठे। ये मुझे बहुत चीज अच्छी लगी कि अगर हम पूरी तरह से जो चीज बन रही है वीव हो रही है उसे पूरा नेचुरल करें, ना कि इसमें कुछ मशीन का वर्क या फिर कुछ केमिकल लाए, तो बहुत बेटर होगा। थैंक यू सो मच, अभी हम रिजल्ट देखेंगे। ओके थैंक यू सो मच फॉर दिस।